आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय द न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने मामा के घर और हमारे हम जाएंगे आज मेट्रो से आगे, इसके मोनू पापा मिलेंगे वहाँ पे और सभी रेडी हो गए हैं। और ये देखिए भूमि की ड्रेस दिखाओ ये, और ये देखिए मेरा सूट कैसा लगा, और ये इसके साथ कड़े हैं, ये है मेरा सूट और ये है मेरे पैंट का डिजाइन। ये देखो गाइस इसका सूट, सीधे हो, धीरे धीरे दिखाऊंगी। ये है मेरे पैंट का डिजाइन, मैंने खुद का, और ये डिजाइन इसने खुद ने किया है। पैर आगे कर, पैर आगे कर भैया, टूट भी सकती है यार, टूटेगी। और ये है इसका दुपट्टा, भूमि कैसा लग रहा है पहली बार बस में बैठ के? पहली बार कब बैठे हैं हम? दक्ष तो पहली बार बैठा है, नहीं दूसरी बार भी पहली बार बैठी, मैं पहली भी बैठी हूँ, चेंज करेंगे। तो गाइस ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये पहुंच गए हैं हम महंगा के टोल पे। ये भी बना है टोल, काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, और सीधा अब राजीव चौक से सोहना तक फ्लाईओवर निकल गया है, तो सिर्फ 10 मिनट सारी लगती है पहुंचने में। हे एवरीवन, वेलकम टू भूमि डबास व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? हम अच्छे, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज आए हुए हैं हम अपने घर पे और ये है सुबह मॉर्निंग का व्यू, 6:15 हो रखे हैं अभी। और चलो दिखाती हूँ आपको हरी भरी हरियाली, और देखिए और एंजॉय करिए। ये है घर के सामने बाजरा वो रखा है, ये रोड के चारों साइड भी, उधर रोड के उधर भी खेती है, ये इधर पेड़, इधर भी। और जो ये दिख रहे हैं ना, ये ईंट वो रखी है कई सालों के, तो इतने अपने आप हो जाती है। आ जा हर्षित, सुबह सुबह उठते हैं, हरियाली बहुत अच्छी लगती है मन को। और ये है अमरूद का पेड़, इसमें लगे हुए हैं छोटे छोटे अमरूद, देख रहा हूँ, ये देखिए है ना, काफ़ी लगे हुए हैं। और ये किस चीज़ का पेड़ है नहीं पता यार। ये पानी का फर्मा, ये इधर पहले हम भैंस गाय रखते थे, तो एक तो बना रखी थी, अभी नहीं रखते, अभी एक बच्ची आई है बस, वो भी ऐसे ही। ये हर्षित, ये है तुलसी मैया, और ये है जामुन का पेड़ देखिए। और ये मिली है हर्षित से, हेलो करो हर्षित। और ये मिलिए ईश्वर से, ये मेरे दोनों भतीजे हैं। और ये है शम्मी का पौधा, बड़ा ही हो गया है, ये भी छोटा सा लगाया था अभी, सिंपल है। सिंपल क्या होता है?
अच्छा भाई, इसमें दीमक भी लग गई नीचे, देखो दिख रही है, ये देखो दीमक लगी हुई है। और इसके साथ में शायद ये आम का पौधा लगा रखा है, और ये है अमरूद का, इसमें भी अमरूद लगे रखे हैं छोटे छोटे, लग गए ना ऐसे ही। और ये है मिर्च, बहुत मिर्च उतरी हैं इसमें। और ये फिर से अमरूद का पेड़, ये इधर केले का पेड़, अच्छा हो रहा है बिल्कुल हरा भरा, कितना प्यारा लग रहा है। ये कौन सा पेड़ है, सिरस का पेड़ बोलते हैं ना इसको। ये सिरस ऐसे ही खड़ा है, बोया नहीं है आपसे, हो गया। ये भी मिर्च है बोई हुई, और ये इधर निकल गया है हमारे यहाँ फ्लावर, नहीं फ्लाइवर सॉरी। और ये देखिए, मेरा ध्यान था वहाँ पे सूरज पे, ये देखिए ये सूरज निकलने लग रही है, ये बिल्कुल लाल सूरज है, इतनी प्यारी लग रही है, आ नहीं रही फोन में तो इतनी, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, बीच में वायर्स आ रखे हैं, ये फ्लाईओवर निकल गया भाई, ये सीधा राजीव चौक से लेके सीधा सोना उतरता है ना। और सोना से पहले ही बॉम्बे हाईवे भी निकला हुआ है, आज तो नहीं जाएंगे, कभी किसी दिन जाएंगे मार्केट तो जब दिखाएंगे। ये इधर भी बहुत जीरा बोल रखा है, ये नीम के पेड़, कौन सा, ये किस चीज़ का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, और इसमें भी छोटे छोटे नींबू लगे, शायद खा लिया किसी ने, गाय भाई ने पत्ते वत्ते चूर रखे हैं, ये इसमें ये छोटे छोटे नींबू। तो गाइस ये थी आज की यहाँ की हरियाली, सुबह मॉर्निंग व्यू हमारे घर का। और इसके बाद मिलवाती हूँ, हम आए क्यों हैं यहाँ पे वो बताती हूँ। जिसका ना फोन का फोकस लॉक हो गया था, तो थोड़ा ऐसा ही दिख रहा था सर, ये देखिए ये नींबू का पेड़ दिखा रही थी, ये मैं ऐसा ही दिख रहा था, ये देखिए छोटे छोटे नींबू, ये शायद किसी गाय वगैरह ने चूट लिया से हवे गाय। तो गाइस ये देखिए निकलता हुआ सूरज फ्लाईओवर के ऊपर से, अब तो 10 मिनट लगती है सीधा राजीव चौक से यहाँ तक, 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। और ये सामने आ रही है मेरी मम्मी, वो अपना काम कर रही है, और हम भी सोच रहे अब काम कर लेते हैं कुछ, आए हैं तो। ये सर्दियों में लगाई थी मिर्च के ये पेड़ पौधे, तब तो मिर्च लगी नहीं, सोच रही थी कि अब तो लगेगी नहीं, ये देखो ये रही मिर्ची, ये लाल हो रखे अभी। गाइस हम आए थे कल रात को यहाँ पे, पहुँचे आके 8 बजे, हम घर से निकले थे शाम को 5 बजे। और हम क्यों आए थे, हम आए थे इसलिए कि मेरे बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो रखी है, उनको एक दिन हो गया दवा लग गई थी एक हिस्से में पूरा, जैसे बोलने में भी आवाज़ लड़क वो होती है, समझ से नहीं आया, अब तो फिर भी आने लगे बोल रहे हैं ये लोग ये घर पे, कि जब लगा था ना तब तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, चला भी नहीं जाता था, अब तो चल पाते हैं, खा लेते हैं, खाना भी नहीं खाया जाता था। और तो भाई यही है, पता नहीं चलता कब लकवा लग जाए, तो ये लकवा होता है जो बीपी में बोलते हैं, बीपी में लगता है, तो इनका था बीपी लो, लो में हो गया इनको, तो तेल आ रखी है दवाई, इनको दिन पे दिन हो रहा है फर्क, मालिश वगैरह दे रखी है, अच्छे से कर रहे हैं। हाँ प्रदीप के साथ गए, ये है मेरे बड़े पापा जिनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो जैसा कि आपने सुनी होगी आवाज़ समझ में नहीं आती,
तो अभी तो पहले से बहुत आराम है, जैसे जैसे एक एक दिन का फर्क पड़ता है, जैसे जैसे दवाई ले रहे हैं तीनों नहीं दक्ष गया है। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।